बैठ जाइए बैठ जाइए आप लोग। बरसों नहीं सदियों में जिसे आप सब तवी नदी के नाम से जानते हैं। जिसमें सदा चमकते सूर्य को लोग मेरा पिता कहते हैं। वैसे कौन कन्या अपना मायका छोड़ना चाहती है, मैं भी नहीं चाहती थी। पर एक दिन देवता जैसे राजा पहर मेरे पास आए। राजा मुझसे बोले कि उनके बीमार पिता के इलाज के लिए उन्हें मेरा जल चाहिए। अब रोज कपलाश कुंड आकर बीमार बूढ़े पिता के स्नान के लिए मेरा जल ले जाना तो संभव नहीं था ना, तो मैंने ही कुछ सोचा। फिर मुझसे रुका ना गया, मैं उनके पीछे चला। अच्छा ही होता इसी बहाने मुझे यह सुंदर जगह देखने को मिली और रास्ते में चिलेनी में मेरी मुलाकात खुद महादेव से भी हो गई। इस जगह का कोई नाम नहीं था। हाँ, इसकी पहचान जरूर थी। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियों पर उगी नरम मुलायम घास और मेरे जल की तासीर से खींचे तमाम चराने दूर दूर से यहाँ अपनी घोड़े चराने आया करते। तभी एक दिन सूर्यवंशी राजा जंबुलोचन इधर से गुजरा। इस इलाके की सुंदरता से मोहित होकर कुछ थोड़ी देर को यहीं आराम करने लगा। जरा दूर पर सफेद चादर ओढ़े ऊंचा हिमालय, पास में हरी चुनरी पहने पहाड़ियां और नीचे कलकल बहती नीली नदी। जैसे यह नजारा काफी न था कि तभी राजा जंबुलोचन ने करीब के एक तालाब पर जो देखा वह दृश्य एकदम अद्भुत था। जिस जगह एक बाघ हर बकरी साथ पानी पी सकते हैं, जहां एक शेर भी एक भेड़ को मांस से बख्श देता हो, जहां एक मेंढक शेर से न डरता हो, वहीं मुझे अपनी राजधानी बनानी चाहिए। तभी तो इस प्रदेश के हर निवासी को बराबर का इंसाफ, बराबर की हिस्सेदारी और बराबर का दर्जा मिल सकेगा। खिलाना मत मुझे। पानी पीते पत्नी शेर, खेत में ना हो सकता।
सूफी
हाथियों महंतों का पवित्र स्थान बनाने लगा। पर सब में बाघ ऊंचा स्थान हमेशा से विश्वास के अनुसार जिनकी प्रतिमा को आठवीं सदी में सारे हिंदुस्तान को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया तो भी जहां को गोवरों के संरक्षण में नहीं रखने दिया गया। राजा रणजीत देव के वक्त में जहां की गोवरा रियासत में लगी और उन्होंने तब ही मुबारक मंदिर के मंदिरों की नींव रखी। राजा रणजीत देव ने आसपास की बड़ी सियासतों को जोड़कर उनकी मजबूत राज्य स्थापित किया और जम्मू शहर दारुल अमन या शांति स्थान कहलाने लगा और यहाँ शांति पाने और अमन के साथ काम करने के लिए हर मजहब के लोग आने और बसने लगे। जहाँ मुगलानी बेगम जैसे बड़े लोग यहाँ आ बसे तो वहीं हजारों कारीगर दस्तकार कलाकार भी जिनके नाम पर जम्मू में आज भी कई मोहल्ले मौजूद हैं। उधर पास के पंजाब में सिखों का वर्चस्व शुरू हो चुका था। धीरे धीरे जम्मू भी पंजाब के श्री महाराजा रणजीत सिंह के राज्य का हिस्सा बन गया। पर डोगरा राजपूत राजा रणजीत देव की चौथी उंगली से जागीरदार किशोर सिंह की बहादुरी और ईमानदारी को देखते हुए रणजीत सिंह ने किशोर सिंह को जम्मू राज्य की बागडोर सौंप दी। किशोर सिंह के बेटे गुलाब सिंह तो पिता से ही और आगे थे। उन्होंने किश्तवाड़ और राजौरी जैसे उत्तर पश्चिम सीमा पर नए इलाके सिख साम्राज्य में शामिल किए। गुलाब सिंह ने वीर हर सिंह नलवा के साथ मिलकर सिख साम्राज्य की उत्तर पश्चिम सीमा पर पठानों की फौज को खदेड़ कर भगाया। साथ ही बहादुर डोगरा सिपाहियों ने गुलाब सिंह की सहायता से राज्य की सीमाओं को लद्दाख और तिब्बत तक बढ़ा दिया। लद्दाख और तिब्बत की इन मुहिमों की अगुवाई की थी कैलूरिया राजपूत सिपा सालार जोरावर सिंह ने। उनकी बहादुरी और ईमानदारी के किस्से इतने मशहूर हैं कि लोग उन्हें हिंदुस्तान का नेपोलियन कहते हैं। के बाद इस शहर की किस्मत और चमकने लगी। गुलाब सिंह ने अपने राजा बनने का श्रेय मीर प्रेमदास की भविष्यवाणी को देते हुए उनकी याद में जम्मू शहर के निकट गांव सोनी सिबली में रघुनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के भित्ति चित्र जम्मू कला के उत्कृष्ट नमूने माने जाते हैं। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके बेटे दिलीप सिंह को गद्दी से हटा दिया और पूरा सूबा पंजाब अंग्रेजों के चंगुल में था। पर ये सूरत डोगरों को बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए राजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों से अमृतसर में एक संधि की। इस करार के मुताबिक एक मिस्ली घोड़ा, तीन सोने के ताव से कढ़े कश्मीरी शाल, 12 पश्मीना भेड़े और 75 लाख रुपए नकद का नजराना ईस्ट इंडिया कंपनी को देकर राजा गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को
अपनी खुद मुख्तारी में ले लिया और वो रियासत जम्मू कश्मीर के पहले महाराजा बने। महाराजा गुलाब सिंह के बाद उनके प्रतिभाशाली बेटे रणदीप सिंह ने, जो एक बहादुर राजा के साथ साथ धार्मिक एवं जागरूक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जब जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाली तो उन्हीं के जमाने में इस किले यानी किलाए बाबू को फिर से नई तरह से बनाया और सजाया गया। अब जम्मू में भी नए महल, नए बाग, नई इमारतें तामीर की जाने लगी। रणवीर सिंह ने धार्मिक स्थलों का पुनः निर्माण किया और साथ ही पूर्वमंडल व उत्तर वाहिनी में मंदिर श्रृंखलाओं का भी निर्माण करवाया। इनके साथ माँ गंगा की बड़ी बहन मानी जाने वाली नदी देहक के तट पर संस्कृत पाठशाला स्थापित की। संस्कारों का गांव बन गया, जहां कहीं गद्दियों गुज्जरों की बांसुरी की धुनों तो कहीं जोड़ियों की कारकों और बारों तो कहीं कुंड तो कहीं खुंदनी कहीं औरतों का जागरण और कहीं हिरण और भक्तों जैसे कहानी करते रंग रूप के रूप मिलने लगे। मगर कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं जो इतिहास के भी पहले की हैं, इसीलिए आगे की कहानी मैं सुनाऊंगी। महाभारत के समय मेरे किनारे पांडवों की सेना ने डेरा डाला, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में छोड़ा उनका घोड़ा इधर ही चला है। और फिर Yeah!
जिसने मलिका पुखराज को जन्म दिया तो उस्ताद अल्लाह रखा खां और
पंडित शिव कुमार शर्मा को अपने मिनिएचर के लिए नामची जम्मू असल में मिनिएचर इंडिया है, जिसमें आपको देखती है इंद्रधनुषी संस्कृति, जहां अनगिनत भाषाओं, धर्मों, संस्कृतियों, पोशाकों, खान पान, विश्वासों से जुड़े लोग एकजुट होकर रहते हैं और सबको साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल मेरी ही तरह, क्योंकि मैं सूर्यपुत्री तवी किसी भी प्यासे से न उसका मजहब पूछती हूँ, न जात, न खान पान, न ही पहनावा। सबका साथ देना, सबकी प्यास बुझाना, सबकी तरक्की और सबका विकास और सबका विश्वास ही तो है नदी का धर्म। मुझे यकीन है आप सब भी यहाँ से जाकर एक दूसरे में उसी तरह